बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन ब वक्तन मिल सके। दोस्तों, जो इस वक्त की फुल न्यू अपडेट्स हैं कुवैत के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ, तो वो अपडेट्स आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले जो है, रौफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला से ईद के मौके पे खुसूसी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वायरस को, इस वबा को इस दुनिया से ख़त्म करे ताकि लोगों के मामलाते जिंदगियां वो हल हो सकें। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले, कुवैत के बादशाह शेख सबा अल हमद अल जाबर ने अपने तमाम जो रेजिडेंट्स हैं और वहाँ के जो सिटीजन हैं और खसूसी तौर पे जो है सबको मुबारकबाद पेश की है ईद की। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट है, सबसे पहले एक लोगों का बहुत बड़ा सवाल भी आ रहा था कि हमारे पासपोर्ट खत्म हो गए, हमारे वीजे खत्म हो गए, तो वो रीन्यू नहीं हो रहे और 3 महीनों का एक्सटेंशन हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो 3 महीनों का एक्सटेंशन हो गया या आगे? अभी मार्च के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया था 1 मार्च से लेके आगे 3 महीने, तो अभी वो 3 महीने खत्म होने को है, तो आगे कैसे हम लोग जो है रीन्यू करवा सकते हैं या आगे हम कैसे हम लोग कन्फर्म तरीके से कर सकते हैं अपने वीजो को ऑटोमेटिकली 3 महीनों के लिए? तो भाई उन लोगों के लिए अरब टाइम्स के अंदर एक बहुत अच्छा जो आर्टिकल जारी हुआ है, और वो आर्टिकल ये जारी हुआ है कि उन लोगों को आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने वीजो के मुतालिक जो मामलात हैं, जो तोसी करना चाहते हैं, वो जो है अपने वीजो को आर्टिकल 14, 17, 18, 22 और 24 इनके तहत जो है अपने वीजो को ऑटोमेटिकली जो है 3 महीनों के लिए तोसी कर सकते हैं, और आप लोग अपने वीजो का ऑटोमेटिकली स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर खारजियों के हवाले से कुवैत ने डिक्लेयर की है, और उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी कुवैत के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स होंगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम। जब तक के लिए रौफ फजल अजीम को दीजिए इजाजत, दुआओं की दरखास्त आप लोगों से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।